हाथ लगा दर्ज जी, दर्ज जी लगा हाथ। आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर रार सभी दलों में देखने को मिल रही है। इसी क्रम में टिकट न मिलने से नाराज समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अजय यादव बागी हो गए हैं। जी हां, उन्होंने साइकिल छोड़कर हाथी की सवारी कर ली है। बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर रणवीर कश्यप ने अजय यादव को पार्टी ज्वाइन कराई। मिल रही जानकारी के मुताबिक अजय यादव एटा की सदर सीट से बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। सपा को इस्तीफा दिया है जी, क्या कहेंगे? मैं लखनऊ से आया था। वो तो रहा, कहाँ नहीं हो रहा रिकॉर्ड। एक तो जो है पारिवारिक समस्याएं कुछ ऐसी थी कि हमारा बेटे के जो बेटा पैदा हुआ था वो बहू जो है आगरा में है एडमिट, और बेटा अपोलो लखनऊ है, वहाँ दिल्ली में। उसके बाद जो है फोन पे फोन क्षेत्र के लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि तुम्हें चुनाव लड़ना है, इस क्षेत्र की मान और सम्मान रखना है। तो मैंने ये तय कर लिया कि मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। ये भी कहा लोगों ने, और मैं कहता हूँ ये कि आने वाली नस्लें, जो हमारी नस्लें हैं वो पैदा होंगी, वो हमें गालियाँ देंगी और कहेंगी तुम एटा पर कैसे, हमारे बुजुर्ग थे जो एटा पर अलीगंज का कब्जा करा के चले गए, और उन लोगों को कब्जा करा के चले गए जिन लोगों ने कभी जो है मान सम्मान की बात नहीं की, जिन लोगों ने कभी कभी जो प्लॉट घेरे हैं, लोगों की जमीनें घेरी हैं, रो रहे हैं, बहुत से जो हत्याएं कर दी हैं उन लोगों ने, जो आज भी विधवा अलीगंज में और एटा में घूम रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वो लोग हैं जो ऐसे लोग जिन्होंने, आपको पता है कितनी जमीनों पर कब्जा हुए हैं, सब मालूम है, कितने लोगों पर मुकदमा लगा के आज भी जेल में सैकड़ों लोग सड़ रहे होंगे जेल में उनके मारे हुए। एटा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है, इसलिए जनता की भावना थी, जनता का मान था, जनता का सम्मान रखने के लिए मैंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है और चुनाव लड़ूंगा, और ईश्वर चाहेगा तो मुझे सफलता मिलेगी, ऐसी आशा और विश्वास करता हूं। विधायक जी, आपकी समाजवादी से टिकट की बात चल रही थी, क्या वजह थी आपको टिकट नहीं दी गई? वो तो सारी बातें हो चुकी हैं, अभी हमारे साथी पूछते रहे, आप बताइए, आप बताइए। जो समाजवादी पार्टी में एक खलनायक भी है, जो खलनायक के नाम से जाने जाते हैं, फिरोजाबाद, फरुखाबाद, बदायूं, एटा, उन्होंने तबाह कर दिया, और उन्होंने जो है दबाव बना के मेरी टिकट को कटवाया, अपनी रिश्तेदारी निभाई और जो मेरी टिकट को कटवाया उन्होंने, इसलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं जो है बहुजन समाज पार्टी से। आप अभी समाजवादी पार्टी में अपमान की बात कर रहे थे, क्या किसने अपमान किया, क्या अपमान किया आपका? सम्मान के साथ में पार्टी में टिकट दिया था, आप पटियाली विधानसभा से चुनाव भी जीते जी जी। और पार्टी में आप लगातार जो है 2012 तक आप निरंतर बने रहे, इसके बाद क्या वजह रही जो आप समाजवादी पार्टी में जाना पड़ा? समाजवादी पार्टी में मैं 2017 में माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझसे कहा कि जो है यहाँ जो है शामिल हो जाओ पार्टी में तुम्हारा। हमारे सहयोगी सोनू यादव के अनुसार बसपा ज्वाइन करने के बाद पूर्व समाजवादी पार्टी विधायक अजय यादव ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव पर जमकर निशाना साधा है। अजय यादव ने प्रोफेसर रामगोपाल यादव को खलनायक बताते हुए कहा कि उनकी वजह से उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। अजय यादव ने कहा कि अखिलेश यादव ने पहले उनको एटा सदर सीट से लड़ाने का आश्वासन दिया था, बाद में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगन सिंह यादव को एटा सदर सीट से सपा का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। जुगन सिंह यादव सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के रिश्तेदार हैं। आप देख रहे थे ब्यूरो रिपोर्ट।